नमस्कार किसान भाइयों, आपका अपने एग्री बीएम चैनल पर स्वागत है। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर लें। चलते हैं किसान भाइयों, आगे देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि छोटे ट्रैक्टर से कैसे आप गन्ने में जुताई गुड़ाई के साथ में ये ढुलाई का भी कार्य अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अमूमन 40 कुंटल तक जो है ये गन्ना ढो सकता है, और इसकी जो पर्ची तुलती है वो बैलगाड़ी में जो है तुलती है। बैलगाड़ी के हिसाब से इसका जो है सट्टा बनता है, और बैलगाड़ी के ही पर्ची पर ये जो है अपना डाल देता है और इसको सीधी लाइन मिलती है। तो इस तरह से आप जो है ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है कम लागत में ज़्यादा जो है काम कर लेता है। जुताई गुड़ाई, मिट्टी चढ़ाई का कार्य, और साथ साथ में गन्ना ढुलाई का भी अच्छा से कार्य कर सकता है। तो ये आप जो है इसका लाभ ले सकते हैं, और ये सुगमता से भी जो है सारी जगह कार्य कर सकता है, क्योंकि ये फोर व्हील ड्राइव है। इसके चारों पहिए में जो है इंजन का जो फ्लाईव्हील लगा होता है उससे घूमता है, और ये 18 से 22 हॉर्स पावर तक का भी हो सकता है, और अभी तो सोनालिका वगैरह जो है 24 हॉर्स पावर तक के भी ट्रैक्टर ये निकाल रहे हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं वीडियो में कि किस तरह से जो है ये अच्छी खासी टाली भर करके जो है निकल रहा है। लेकिन हमारा यही कहना है कि 40 कुंटल से अधिक गन्ना मत इस पर ले जाइए। 40 कुंटल तक गन्ना जो है ये बढ़िया से जो है तौल करा सकता है फैक्ट्रियों पर। तो आप अपनी फैक्ट्री में जो है इसका पर्ची बैलगाड़ी का करा लीजिए, और कराने के बाद में जो है इसमें डायरेक्ट लाइन में आप जाके सीधे बैलगाड़ी की तरह आप तौल करा पाएंगे, और जिससे कि आपका थोड़ा थोड़ा गन्ना पहुंचता रहेगा, ताज़ा गन्ना भी पहुंचेगा, जिससे जो है कि आपका वज़न का जो ह्रास होता है वो भी बचेगा, और आपका जो है खाली समय में इस समय ट्रैक्टर का बढ़िया भरपूर उपयोग हो जाएगा। जिस समय आपको अभी जुताई गुड़ाई का कार्य नहीं है तो इस छोटे ट्रैक्टर से आप जो है जुताई गुड़ाई के कार्य के जगह पे इस समय जो है जब फैक्ट्री आपकी चल जाती है तो ढुलाई का कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से जो है आप सुगमता से